आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जनपद मुरादाबाद के जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन कर जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। भारत सरकार पर आरोप लगाते हुए ज्ञापन में कहा गया कि सरकार मीडिया संस्थानों और उनके पत्रकारों पर छापेमारी और मुकदमों की राजनीति करके सरकार मीडिया की आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रही है। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि हाल ही में ही भारत समाचार चैनल तथा दैनिक भास्कर और विश्वसनीय मीडिया संस्थानों के दफ्तरों और पत्रकारों पर आए करके छापे डलवाना अभिव्यक्ति की आज़ादी पर और मीडिया की स्वतंत्रता पर गहरा आघात है। ज्ञापन में मांग की गई है कि तत्काल इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए लोकतंत्र को बचाने के लिए जो भी आवश्यक कदम हो वे तुरंत उठाए जाएं। प्रदर्शन में मौजूद रहे जाबिर हुसैन एडवोकेट, सुशील शुक्ला, जावेद आलम, अहमद बाशी आदि मौजूद रहे। आज भाई साहब हमारा जो उत्तर प्रदेश में पूरे उत्तर प्रदेश हमारे माननीय संजय भैया के आदेश पर जो मीडिया के खिलाफ ये मोदी सरकार जो स्वतंत्र मीडिया उनके खिलाफ उत्पीड़न करती है, तरह तरह से उन्हें दबाती है, और जो सरकार है ये नहीं चाहती कि सच जनता के सामने सच लाया जाए। जो मीडिया संस्थान उसकी गुणगान करते हैं उन पर तो कोई कार्रवाई नहीं होती, और जो स्वतंत्र रूप से अपनी खबरें प्रकाशित करते हैं या देश की जनता के सामने सच्चाई लाना चाहते हैं उन्हें तरह तरह से उत्पीड़न करती है। जैसे अभी कुछ दिन कल परसों ही जो देश के समाचार हैं भारत समाचार और ये हिंदी दैनिक भास्कर, इन्होंने पूरे कोरोना काल में इन सरकार की काली करतूतों को दिखाया, इसकी नाकामी को दिखाया, कोरोना काल में जो लोग अस्पतालों में मरे तो उन्हें दिखाया, उससे चिड़का इन्होंने उसके कर्मचारियों के खिलाफ इनकम टैक्स के छापे डलवा दिए, तो ये घोर निंदनीय है और ये संविधान का अनुच्छेद 19(1) का भी उल्लंघन है। तो हम आज इसके माध्यम से बताना चाहते हैं कि जो भी मीडिया है ये देश का चौथा स्तंभ है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, अगर ये भी ना बचा तो हिंदुस्तान कहाँ बचेगा। ये एक यही संस्थान ऐसा है जिससे जनता का भरोसा है, नेताओं से उठ चुका है, सरकारों से उठ चुका है, लेकिन मीडिया पे आज भी लोगों का भरोसा है, उन्हें लगता है कि मीडिया सच दिखाती है, तो इसे बहाल किया जाए, इनका उत्पीड़न बंद किया जाए। आज हम इसके राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन दे रहे हैं कि जितने भी मीडिया संस्थान हैं, चाहे छोटे हों बड़े, किसी के खिलाफ भी दंडात्मक या कार्रवाई नहीं की जाए। अध्यक्ष जी, पिछले साल रिपब्लिकन मीडिया के एक एडिटर को बंद कर दिया था मीडिया हाउस में, तब आपने कोई प्रदर्शन किया था? आप पार्टी ने कहीं देश में कोई प्रदर्शन किया था क्या? हमने निंदा की थी उसकी भी, हमने निंदा करी, हमारे संजय भैया ने भी निंदा की थी, निंदा करी थी उस टाइम। हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी मीडिया के साथ है, मीडिया जो है हमारे देश का चौथा लोकतंत्र स्तंभ है, अगर ये नहीं बचेगा तो आगे हिंदुस्तान नहीं बचेगा।